अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाब शाह। परफ्यूम हब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए एक नई से नई फार्मूले पेश कर रहे हैं। तो एक दोस्त है, आउट ऑफ कंट्री से है, उसने मैसेज किया था कि यार मुझे गर्मियों के लिए एक ऐसी खुशबू बता दे, क्योंकि यहाँ अरब अमारात कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे कोई ऐसी फार्मूला बता दे। क्योंकि उस बेचारे ने बहुत बोला कि आप कोई तरीका बना लो कि आपकी परफ्यूम मुझ तक पहुंच जाए। तो मैंने बोला कि यार मैं डायरेक्ट आपको तो नहीं भेज सकता, लिहाजा अगर आपका पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दे, यहाँ से मैं उनको TCS कर देता हूँ, वहाँ से फिर वो आप तक पहुँचा देंगे। तो उन्होंने बोला हमारा कोई भी ऐसा बंदा है ही नहीं इस पाकिस्तान में, क्योंकि मैं ख़ुद हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो आपकी मेहरबानी मुझे कोई अच्छी सी फार्मूला बता दे ताकि उसी के मुताबिक मैं यहाँ पे कतर में अपने लिए ये परफ्यूम बना सकूँ। तो मैंने उनको फार्मूले तो बहुत बताए, लेकिन ये 2-4 दिन पहले मेरे अपने भी कुछ मुश्किलात है घर की तरफ से, तो टाइम नहीं मिल रहा फार्मूला बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारी वीडियोस भी आजकल बहुत लेट हो रही है। उनके लिए आप लोगों से माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नई से नई फार्मूले आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं, ताकि जिनकी हमारी तक पहुँच नहीं है उनको भी हमारी फार्मूलों से फ़ायदा मिल सके। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी हमारे इन फार्मूलों से अगर वो फ़ायदा ले सके तो उसकी जो रोज़ी होगी उसमें भी मेरा पूरा हिस्सा होगा। और आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते, मेरे लिए नहीं अल्लाह के लिए, जो जो नॉलेज आप लोगों के पास है उनको आम कर दें। बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूँ। तो उनके लिए हसानियाँ पैदा करें जितना आप लोगों से हो सके। कोई लालच न करें कि यार मुझे इतना मुआवजा दो, मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा है, तो मुझे इसके बदले आप इतना पैसे दें, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो हर चीज़ में डॉक्टर ना बने, उनकी हर छोटी सी दो बातों के ऊपर वो आपसे फीस लेते हैं। डॉक्टर हजरत, आप लोग भी माजरत, नाराज़ नहीं होना, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी काम आप लोग करें तो उसको सदका समझ करके, सदका जारिया समझ करके आप उनको दे दें, इससे आप भी राज़ी होंगे, अल्लाह भी जब अल्लाह राज़ी होगा तो आप ऑटोमेटिकली दिल ही दिल में आप मुतमईन होगे। तो जो भाई हैं एहतशाम भाई कतर से, उसके लिए जो मैंने एक नई फार्मूला तैयार किया है उसमें है एंकर नायर। और अभी बहुत से कस्टमर ये भी कहते हैं कि यार एंकर नायर आपने पुराने खुशबुओं के साथ भी मिक्स किया था। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैंने मिक्स किया था। हम लोग चेक करते हैं जो खुशबू, जो अच्छे नोट्स निकालते हैं उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये फार्मूला जो हम लोग बताते हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी, पूरा वर्ल्ड देखते हैं, तो उनकी जो खुशबू है वो ज़ाया ना हो। तो इसलिए हम लोग बहुत ही एहतियात से नई और अच्छे से अच्छे फार्मूले आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो आज के फार्मूले में मेरे पास 2 अतर का ऑयल बढ़ा हुआ है, जिसमें एक है एक्टिवेट निशान, बहुत ही ये ख़ुद ही अपने आप में एक बादशाहों वाली खुशबू। इसकी लास्टिंग, इसके नोट्स, इसका फर्स्ट सेकंड बेस नोट, यानी कि एक से एक इसके टॉप पे आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे है एंकर नायर। एंकर नायर भी अगर देखा जाए तो एक्टिवेट निशान से कम नहीं, प्राइस को नहीं देखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यार एक्टिवेट निशान तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन एंकर नायर बहुत सस्ती है। मैं अक्सर कस्टमरों को यही कहता हूं कि अक्सर सस्ती खुशबू जो आप परचेस करते हो, वो जब आप इस्तेमाल करते हो, वो फ़र्ज़ करें आपने 5,000 की कोई परफ्यूम ले ली तो वो इतना अच्छा निकलता है, जो आपने 50,000 की भी ली होगी वो आपको इतना रिजल्ट नहीं देगा जो 5,000 वाली देती हैं। तो ये क्या होता है, खुशबू के ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों की भी यही कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ आप लोगों की खिदमत में पेश करें। वीडियो बढ़ रही है, उसके लिए माजरत। चलिए चलते हैं कि हम लोग आज की जो फार्मूला हम लोगों ने आप लोगों को बताना है उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी कितनी मकदार में आप लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके हम लोगों ने फर्स्ट नोट एक्टिवेट निशान इसलिए रखना है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, आप जिधर भी जाओ गर्मी है। क्वेटा अल्हम्दुलिल्लाह पंखे के बगैर भी कोई टेंशन नहीं, अगर आप साए में बैठ जाते हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, अगर आप पंखा लगाओगे तो आपका इसी का काम देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क, हर सिटी का अलग अलग एक मौसम होता है, ये सब अल्लाह की कुदरत है। तो चलिए चलेंगे परफ्यूम बनाने की तरफ, जो हम लोगों का मेन पॉइंट है, जो आप लोग इसी के इंतज़ार में होते हो कि परफ्यूम किस तरह बनाएं और किन किन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत होगी। तो उसमें है एक्टिवेट निशान और दूसरे नंबर पे है एंकर नायर। तो
अभी बहुत से लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि यार दूसरे भाई जो है ना वो ये केमिकल यूज़ करते हैं, ये केमिकल यूज़ करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को यही बात करता हूँ कि आपके पास एथेनॉल या T20 वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो ऑयल आप लोगों के पास है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास अच्छी क्वालिटी की आएंगी तो आपको किसी भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लिमिटेड खुशबू आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ताकि उसी के मुताबिक आपकी जो खुशबू है वो ज़ाया और ख़राब ना हो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट निशान इसमें आएगा 15 ml, एंकर नायर इसमें आएगा 10 ml। तो इसकी बनाने का तरीका, मेरे पास बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी बड़े हुए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जो मुझसे बहुत कस्टमर पूछते हैं कि यार आईसो ये मेरे पास पड़े हुए, लेकिन बदकिस्मती से मेरा जो तालीम है उसके लिए मैं माजरत, गैसोलाइड है, आइडियोन है, इसके अलावा हमारे पास संदल है, इसके अलावा ISOE सुपर है। तो ये केमिकल्स जो है ना ये सारे लास्टिंग प्रोजेक्शन और जो खुशबू की लास्टिंग होगी, प्रोजेक्शन हो गई और खुशबू की जो नोट्स है उसको बरकरार रखने के लिए रखते हैं ताकि इसकी नोट्स 15, 20, 25 मिनट के बाद ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अभी चलते हैं परफ्यूम बनाने की तरफ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी तवज्जो बार बार बाहर की तरफ हो रहा है क्योंकि कस्टमर्स हैं। उसको मैंने बोला कि यार सिर्फ 5 मिनट कर दियो, बहुत अरसा हुआ मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा मोहतरमा के लिए स्पेशल दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह जो भी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर करे। सबको दिल से दुआ दो क्योंकि अपने लिए आप जो भी दुआ करोगे वो कबूल नहीं होती जब तक आप किसी और के हक़ में दुआ नहीं करते। तो सबको दिल से दुआ दिया करें क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं चलता कि कब मरेंगे और कब तक हम लोग जियेंगे। तो चलते हैं परफ्यूम बनाने की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है, क्योंकि अभी मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई, एक्टिवेट निशान 15 ml और एंकर नायर 10 ml, तो जो क्वांटिटी आपने ज़्यादा डालनी है उस अतर को आपने पहले इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास तराजू के बग़ैर भी आप लोग कर सकते हो, मेरे शुरू वाली वीडियोस अगर आप लोग चेक करोगे तो उसे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो तराजू ऑन हो गई है, उसमें अभी हम लोग आसानी के लिए तराजू रखते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं होता। आप लोग तो तसल्ली से घर में अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। 15 ml इसमें आएगा हमारा एक्टिवेट निशान, जो तुर्की का परफ्यूम है, और इसकी बहुत ही क्लास के और प्यारे नोट्स निकलते हैं, बहुत ही क्लास की चीज़ है। बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो बढ़ रही है उसके लिए ममाजरत, क्योंकि जब तक आप लोगों को दिल से ना समझा दूँ एवी बातों बातों में आप लोगों को रास्ते से निकाल दूं तो वो भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़ी वीडियो बढ़ जाती है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अभी इसमें आ गया 10 ml एंकर नायर, 15 ml एक्टिवेट निशान, 10 ml इसमें आएगा एंकर नायर। उसके बाद ये होगी आपका 25 ml, 25 ml आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी का एथेनॉल समझ ले या T20 समझ ले, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई खुशबू या बदबू, केमिकल वाली बदबू जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ है। लेकिन जब मैं नाक के साथ नज़दीक कर लेता हूँ वो डायरेक्ट दिमाग को लगती है, लेकिन बुरा नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए एक अजीब किस्म की फीलिंग होती है लेकिन उसके बाद बिल्कुल सही हो जाता है। ये परफ्यूम जब आप लोग बना लो तो कोशिश करें कि उसको आप फ्रिज में लाजमी रख लें, क्योंकि जब इसको आप फ्रिज में रखोगे तो इसके नोट्स ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ 25 ml मैंने एथेनॉल डाला है, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए, जो आपकी शोकेस में जो आपकी परफ्यूम पड़ी हो तो उसकी कलर थोड़ी सी हो तो अच्छा है, और अगर आप डायरेक्ट ये येलो कलर रखोगे तो भी सही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं लाइट कलर होनी चाहिए, तेज़ भी नहीं, क्योंकि जो भी कलर आप इसको दोगे इतनी क्वान्टिटी में दे कि जो आपका खुशबू है वो ख़राब ना हो। मुझसे अभी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई लेकिन नहीं होना चाहिए, तो इसको अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको आप जितना ज़्यादा मिक्स करोगे इतना ही आपकी जो परफ्यूम है वो अच्छा बनेगा। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है, तरीके से आप कोई भी काम करोगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका मेहनत आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा।
बाकी फिर आप लोगों को कहता हूँ कि भाई लोग जिस जिस के पास जो भी हुनर है, किसी किस्म का भी हुनर है, उसको ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि अपने भाइयों और बहनों तक पहुँचा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का पैसा लें। ये बहुत से लोगों ने फ़ोन किया है लेकिन अच्छा नहीं लगता कि उनके नाम में मेंशन कर दूं कि यार मैंने परफ्यूम का काम सीखना है, ये वो मैं कर दूं। लेकिन मेरा मुआवजा यही है भाई लोग, एक बात जब तक ये मिक्स होता है, एक छोटी सी बात ये करूं कि जिसने भी मेरे से किसी भी किस्म का सवाल करना है परफ्यूम के बारे में, ये मेरा ईमान है, ईमान से बढ़ के कुछ भी नहीं, कि मैं आप लोगों को दिल से बताऊँगा, कोई भी चीज़ आप लोगों से नहीं छुपाऊंगा कि यार इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को मेरे लायक कोई भी काम खिदमत हो, लेकिन मुआवजा मेरा बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग दे सकते हो तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें। अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो उसके लिए आप माजरत, नाराज़ नहीं होना, मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह किसी भी हाल में होऊंगा मैं, अपने कस्टमर्स को मायूस होने नहीं दूंगा। मुझे बता दिया करें किसी भी के बारे में, चीज़ के बारे में आप लोगों ने पूछना हो, इंशाल्लाह मैं दगा नहीं करूंगा। और मुआवजा मेरा यही है, आप लोग डर गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, जब भी आप लोग पांच वक्त की नमाज़ पढ़ो, जब भी नमाज़ पढ़ो तो मुझे उसमें ज़रूर याद कर लेना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मेरा जो खुशबू है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको अभी ट्रांसफ़र करते हैं अपनी जो बोतल इस्तेमाल करने के लिए हम लोग रखते हैं स्प्रे वाली, उसमें डालते हैं ताकि हमारी परफ्यूम ऐसी बन जाए कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करूं या किसी को गिफ्ट में दे दूं तो कोई ये ना कहें कि यार ये आपने क्या चीज़ मुझे दी है। वो ख़ुद कहे कि यार मुझे एक और बना के दे दें, मज़ा तब आता है। अभी आप लोग ये भी देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यही प्रेस वाली मशीन रख लो और यही प्रेस वाली बोतल रख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल जो मेरे पास बोतल्स पड़े हैं, जैसा ये बोतल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी मेरे ही हाथ का बना हुआ परफ्यूम है, ये देखो यहाँ से भी चल रहा है, और इसके बाद इसको आप कॉल करके दोबारा रिफ़िल भी कर सकते हो। लेकिन ये जो अभी मैंने बनाई है ये रिफ़िल नहीं होती, ये सील हो जाता है। तो ये मेरी परफ्यूम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। जो जो चीज़ें हैं आप लोगों ने ज़रूर लिखी होगी, आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो सब्सक्राइब किए हैं। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फिर कहता हूँ कि जो हो सके आप लोगों से गरीबों के साथ कर ले। ज़रूरी नहीं है कि खामखा आप बड़ा से बड़ा काम कर ले, उसके लिए आप छोटी सी भी काम करोगी तो बहुत अच्छा है। और जब किसी के ऊपर आप एहसान करते हो तो उसका एहसान का बदला उनसे नहीं लेना, उसको बोल दो कि यार दो चार बंदों के साथ और अच्छा कर दे, मेरा एहसान चुक जाएगा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।